प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का नाम धन्यवाद हो। नए साल में पहले दिन प्रभु ने उसका मंदिर में हमें जमा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु का महान काम के लिए और प्रभु का अपने जीवन में किया है, इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। अगर हमें उसने श्वास नहीं देते तो यहाँ पर हम लोग नहीं आते थे। आमेन, हालेलुया। It's the only grace of God that He has given us a breath of life. Amen. इसलिए कि हर कदमों में, each and every steps, we need to be worshiping Him. We need to praise Him. We need to uphold Him. Hallelujah. और एक नबी बोलता है, प्रभु को कितना भी आप और हम सेवा करें, उतना कम है। उसको कितना भी हम लोग स्तुति करें, उतना कम है। समय नहीं होने दो, होने दो, प्रभु का स्तुति करो बोलता है। पत्रस ने, पौलुस ने तिमोथियस को बोला, इन सीजन आउट ऑफ सीजन, समय होने दो नहीं होने दो, प्रभु का सेवा करो, उसमें भागो मत बोलता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपको प्रभु ने क्यों एक मौका दिया, मुझे क्यों मौका दिया, प्रभु जानता है, मैं नहीं जानता। गॉड हैज चोजन यू, गॉड हैज गिवन यू समथिंग, एंड लेट अस यूज इट फॉर द लॉर्ड, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग थोड़ा वचन का और मुड़ेंगे। स्टॉप लिविंग अंडर प्रिविलेज, स्टॉप लिविंग अंडर प्रिविलेजेस। लूक चैप्टर 15:17-22। जो प्रभु ने हमें जो अनुग्रह दिया, जो हमें संपत्ति दिया, आत्मिक संपत्ति दिया, उसका नीचे हम लोग रहने के लिए नहीं देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक रचित सुसमाचार 15 अध्याय, चाहता था कि उन प्लेस उन पल्लियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता। जब वो अपने आप में आया तभी कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसी से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूरों की नाई रख ले। तभी वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिता, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा,
झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पांवों में चुतिया पहनाओ। बस आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पढ़े हुए वचन को परमेश्वर आशीष करे। प्यारे पिता धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु जी, इस नया साल को आपका आराधन से आपका स्तुति करने से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रभु आपने पिछले सालों में प्रभु जी हमें बरकत दिया, हमें चलाया प्रभु, हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका आगमन प्रभु जी बहुत नज़दीक है। वो प्यारे पिता नबी बोलते हैं दरवाजे में है करके, इसलिए प्रभु इस वचन को जब हम लोग ने पढ़ा उसको पर आशीष उसको रोज आशीष करते हुए हमें बांट के दीजिए, ताकि हम लोग प्रभु आपका आशीषों को पाने के लिए सहायता और मदद। प्यारे पिता हर एक सुनने वाला और प्रभु जी बोलने वाला हर एक प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर, हर एक अंधकार का शक्ति को यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका पवित्र आत्मा का प्रभु जी यहाँ पर प्रसन्न होते हुए आपका महिमा यहाँ पर होने दीजिए। विशेष करके प्रभु जी जिन्होंने गाना गाया, जिन्होंने गवाही दिए प्रभु, ओ प्यारे पिता हर एक को आपका हाथ में रखते प्रभु जी। ओ प्यारे पिता यीशु मसीह आपका महिमा हो पाए प्रभु जी, यीशु मसीह का मीठा पवित्र नाम सुना कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग बैठेंगे। प्रभु का नाम का धन्यवाद। और एक बार प्रभु ने यहाँ पर खड़ा होने का मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि भाई और बहनों ने इस सब लोग ने अपना हाथ मिलाते हुए अपना कंधे कंधे लेकर हम लोग ने इस सेविकाएं को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये सेविका अकेले से नहीं होता है प्यारे भाई, प्रभु का सेविकाएं हर सब लोग मिलकर सेविकाएं करते हैं, इसमें वो बड़ा ये छोटा ऐसा नहीं है। और आदम भाई तक गए मेरे से समझता हूँ, लेकिन प्रभु ने जब भी एक जिम्मेदारी देता है उससे हम लोग भागना नहीं चाहिए। अगर कोई भी कुछ भी बोलने दो प्रभु को लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग गौरव देना, हम लोग उसका सम्मान करना और उसको लिए हम लोग प्रार्थना करना हमारा फर्ज होता है। आमीन हालेलुया। इसलिए कि योना ने क्या किया, भाग रहा था, लेकिन उस काम प्रभु ने उससे करा के लिया है कि नहीं। इसके लिए आपको रहम को परमेश्वर ने क्यों चुना, क्यों आपका भाई को नहीं चुना, क्यों आपका पड़ोसी को नहीं चुना? क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है जगत उत्पत्ति से पहले आपको रहम को उसने चुना है, उसका महिमा के लिए चुना है। और ये हमारा फर्ज होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्यारे भाई बहनों। हम एक निष्कलंक और एक निर्दोष होके जो प्रभु ने काम किया उसको हम लोग करना है, क्योंकि अच्छा काम करना। लेकिन नबी का वचन बोलता है आपको हमको एक ही है कि पवित्र आत्मा से भर के एक काम करना है। जब भी पवित्र आत्मा जहाँ पर रहता है वहां पर क्या नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं रहेगा प्यारे भाई बहनों। अगर ये भाई है वो भी पवित्र आत्मा में भरना है, ये भाई लोग है वो भी पवित्र आत्मा में भरना है। यहाँ से आने से पहले हम लोग प्रार्थना करके इसके अंदर आना है, आमीन। ताकि जो नबी बोलता है जो आपका पास छोटा छोटा आग है, जब इस आग को हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर वो बड़ा आग बनता है। द लिक ऑफ फायर व्हाट एवर यू हैव स्मॉल स्मॉल पीसेस इन स्मॉल मेजर्स व्हेन वी कम ऑल टुगेदर इन वन माइंड इन वन स्पिरिट इट बिकम्स अ बिग फायर। आमीन। वहां पर क्या होगा, पवित्र आत्मा का काम वहां पर होगा, वहां पर क्या होगा, हीलिंग होगा, वहां पर क्या होगा, जो पाप है पापी है प्यारे भाई बहनों प्रभु का पास आके रोएगा। आमीन। इस उद्देश्य आप पर हम आते हैं यहाँ पर, दूसरा उद्देश्य नहीं है। और एक उद्देश्य है कि आप पर हम प्रभु का मंदिर में आते हैं अपने आप को परीक्षा करने के। I need to be corrected, I need to patch up my bad things, that is my motive to come to the house of the Lord। क्योंकि परमेश्वर का न्याय परमेश्वर का घर से चालू होता है करके बोलता है, द जजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Hallelujah. That's why we need to be very careful because he's going to come. अभी ज्यादा समय नहीं है, यीशु मसीह आ रहा है। इसलिए अपने आप को परीक्षा करते हुए प्रभु आज मेरा जो मैं मंदिर में जा रहा हूं आपका, इसलिए दाऊद बोलता है मुझे बहुत खुश लगा,
When they said unto me, let us go into the house of the Lord. वो लोग ने मुझे कहा हम लोग क्या करेंगे प्रभु के चरणों में जाएंगे ना तो पिकनिक में जाएंगे ना तो शिशोर में जाएंगे उसमें कुछ नहीं हो उसका उसने बोला कि मैं प्रभु का भवन में जाएंगे उस समय मुझे बहुत खुश हो गया बोलते He cancelled all his appointment. He cancelled all his friends. He came to the house of the Lord to glorify his name. उसने क्या किया सब कुछ कैंसिल करके एक ही मन था उसका एक ही उद्देश्य था मैं प्रभु को स्तुति करूं प्रभु का महिमा देखो और बोलता है वन थिंग आई डिसाइड इन माय लाइफ एक चीज मेरा जीवन में एक उद्देश्य मैं रखा हूं कि प्रभु का मंदिर में आकर देखिए पढ़िए 27 राजा होते हुए उसका उद्देश्य देखिए प्यारा भाई बहन वचन बोलता है उसको रहने के लिए बहुत बड़ा पैलेस बनाया बहुत बड़ा राजगृह बनाया और उसमें सर्वेंट्स थे सब कुछ थे वॉट एवर द कम्फर्ट ही वॉन्टेड ही बिल्ट इन दैट लेकिन वो मनुष्य क्या बोलता है वो राजा क्या बोलता है एक चीज मैं उद्देश्य रीड इट इन हिंदी एक वर मैंने यहोवा से मांगा वो भी ये नहीं है एक वर्क मांगता बोलता है हाँ उसी के यत्न में लगा रहूं हाँ लगा रहो कि मैं जीवन भर देखिए प्यारे भाई बहन वो लेट नहीं आता है वो कुछ भी काम को क्या करता है राजा होके इतने अपॉइंटमेंट होके इतना लोगों का देखभाल करते हुए भी वो बोलता मैं परमेश्वर का मंदिर में जाने का एक ही इच्छा रखता हूं भाई आमेन इट इज माय डिजायर टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड नॉट ड्वेल इन माय थ्रोन आमेन हाँ देन जीवन भर एक दिन नहीं है हर दिन प्रार्थना रहेगा तो वो आता बोलता है जीवन भर हाँ इसलिए प्यारे भाई बहनों जब प्रार्थना है ट्राई टू कम अर्ली शैतान करेगा आपको अड़चन देगा हम लोग क्या करते हैं आज का प्रार्थना होगा तो कल क्या करेगा पूरा कपड़ा निकाल के रखेगा शू पॉलिश करके रखेगा ताकि सुबह तकलीफ नहीं होना क्योंकि प्रभु का मंदिर प्यारे भाई बहनों वो बोलता है राजा होके बोलता है मैं एक ही चीज को उद्देश्य मेरा है प्रभु का मंदिर में मैं बैठू मेरा सिंहासन में बैठने का नहीं है मेरा परमेश्वर का मंदिर में बैठने का ही देता है बोलता है देखिए why he has given first preference to God amen hallelujah praise the Lord प्रभु को धन्यवाद हो आप और हम ये नया साल में जैसा दाऊद बोलता है let us cancel all our programs when the prayer meeting is there क्योंकि जब हम लोग साथ में आते हैं तभी बोलते 40 मिनट जल्दी आना है क्योंकि दुनिया का सारे स्पिरिट जाके प्रभु का स्पिरिट में आना चाहिए उसमें देखिए आपको कितना महान होता है प्यारे भाई बहन कितना आपको आपका जीवन में खुशियां लगते हैं आप देखेंगे हम लोग इसलिए मैं ये बोलने वाला नहीं था लेकिन क्या प्रभु मुझे पता है कि दाऊद एक ही चीज रहता था वन थिंग आई वॉन्ट टू ड्वेल इन द House of the Lord and see the beauty. Not beauty of the sea, Alleluia. Not beauty of the tree, not beauty of the mountain, but I want to see the beauty of my Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. What a wonderful desire, brothers and sisters. कितना अच्छा एक बात है देखिए क्योंकि वो बोलते कि इतना राजा होते भी थक गए उसको बटन दबाएगा तो सब कुछ आएगा बटन दबाएगा तो कितना सरुण मांगते उतना आएगा कितना गाड़ी मांगते उतना आएगा लेकिन वो बोलता नहीं मेरा एक ही इच्छा है मैं प्रभु का मंदिर में बैठकर उसका ज्योति को मैं देखती हूं उसका स्तुति करते रहूं हालेलुया व्हाट अ वंडरफुल थॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हाट अ वंडरफुल जो मोटिव इन हिज लाइफ अगर वो किया तो ये भी आपको हमारा भी यही है आमेन हालेलुया क्योंकि वो जानता था मैं प्रभु का मंदिर में आएगा तो मुझे हीलिंग होता है प्रभु का मंदिर में आएगा तो मुझे पीस होता है प्रभु का मंदिर में आएगा तो मेरा सारे जो टेंशन है शुगर है बीपी है जो कुछ है शैतान भाग जाता है हालेलुया
प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो जानता था प्यारा बाइबल, इसलिए हम आपके लिए, हमारे लिए उसने इसमें लिखा है, वन थिंग आई डिजायर टू सी द ब्यूटी ऑफ माय लॉर्ड। आइए हम लोग इसको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस सेवकाई में कोविड के समय में भी भाई जोना और उसका भाई लोग सब लोग हम लोग आके प्रभु ने हमें समय दिया कि ताकि इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट करो, और समय में आकर प्रभु ने सारे कामों को कभी भी रुकावट नहीं लाया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए पौलुस बोलता है समय में नहीं होने दो, समय होने दो, मैं उसका स्तुति करूँगा। ऐसा करके आज का दिन तक प्रभु ने चलाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आगे भी हम लोग कंधे कंधे मिलाकर प्यारे भाई बहनों इस सेविकाई को प्रभु आने तक हम लोग लेके जाएंगे, ताकि जो प्रभु ने हमें काम दिया उस काम को हम लोग करने में पीछे नहीं हटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो काम करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उसके लिए प्रेयर करेंगे उसका हाथ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जो लड़का था बहुत अमीर लड़का था, प्रभु यीशु मसीह कहा कि इसे बहुत एक क्या हो गया, अपना बाप से उसका शहर को लेकर दूसरे शहर में जाता है, और जाने के बाद थोड़ा दिन अच्छा हो गया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द वर्ल्डली स्टेटस, द वर्ल्डली ग्लोरी विल नॉट लॉन्ग लास्ट। दुनिया का जो संपत्ति है, दुनिया का कुछ है, दुनिया का बात है, थोड़ा दिन के लिए आपको मिलेगा। ये मनुष्य का हम लोग जानते हैं कि बहुत जाने कटे में बहुत खुशी से गए, जो पैसा था सब कुछ लेकर गए। वचन बोलते हैं ही लिव्ड ए राइटियस जो लाइफ, ऐसा जीन जित बिता कि जो बिताना नहीं चाहे था ऐसा बिताया उसने। एंड ही गॉट ए गुड फ्रेंड्स एंड ही स्पेंट वॉट एवर ही लाइक्स, जैसे जो चाहने था वैसा किया करके वचन। लेकिन प्यारे भाई बहनों, हम लोग जानते हैं अगर आप और हम परमेश्वर का बेटा बेटी है सदा हम लोग खुशी होना चाहिए। अगर हमारे में खुशी नहीं है, यू आर ए बैकस्लाइडर, आई एम ए बैकस्लाइडर। हमारे विश्वास में किधर भी किधर गिरावट है, इसलिए कि पौलुस बोलते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। उसने ऐसे नहीं बोले कि थोड़ा समय के लिए, when you are happy then rejoice, no, all the time you need to be rejoice, why, अपना परमेश्वर खुशी और आनंद देने वाला परमेश्वर। अगर हमारे में खुशी नहीं है, संतोष नहीं है, किधर न किधर आप और हम बैकस्लाइड हो गए, हम लोग अपने विश्वास में हम। लेकिन प्यारे भाई बहनों, जब आप और हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बनते हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनते हैं, हम लोग थोड़े गिरते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि परमेश्वर आपको अपना पुत्र से निकाल देगा, ऐसा नहीं है। आपका जो खुशी है, संतोष है, जो उद्धार का बात है, आपसे थोड़ा समय के निकल जाते हैं। आमीन। अभी ये लड़के के बारे में, इसलिए कि अगर आप और हम जो खुशी और संतोष नहीं है अपना जीवन में, यू हैव टू नीड टू चेक योर लाइफ। हम लोग अपना जीवन को क्या करना है, देखना है, परखना है। वो गलती को करते रहना नहीं चाहिए प्यारे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है वही गलती आपको और हमको परमेश्वर का न्याय में क्या करेगा, पकड़ देगा करके बोलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वहां पर स्टॉप होना चाहिए उसको। डू नॉट ड्वेल इन योर पास्ट। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे वो भाई ने मुझे ऐसा बोला था, ये भाई ने ऐसा बोला, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियनिटी ब्रदर्स। नहीं, ये क्या नहीं है, जो प्रभु का जो बेटा बेटी कभी भी रिजॉइस इन द लॉर्ड। लोग बोल सकते हैं, अरे आपको दर्द है, इतना दुख है, इतना तकलीफ है, व्हाई यू आर रिजॉइसिंग ऑलरेडी ऑलवेज, क्यों आप इतना खुशी है, क्यों आप इतना संतोष है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्यों, हमारा परमेश्वर कौन है, खुशी और आनंद देने का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कि प्यारे बहनों, एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू आर इन ए ट्रबल, रिजॉइस इन द लॉर्ड। You are in a valley, rejoice in the Lord. You are in a mountain, rejoice in the Lord. Because I say always, rejoice, बोलता है।
आगे जाएंगे हम लोग. Genesis 4:6 में बोलता है, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Why is thy countenance fallen? कई बार हम लोग चर्च में आते हैं, हम लोग ऐसे गिरावट से आते हैं. क्यों? हम लोग बैकस्लाइड हो गए, क्योंकि कैन वहां पर परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर उसका मुंह को देखा. क्या नहीं है ब्रदर? अगर आप और हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, योर फेस शुड बी ग्लोइंग ऑलवेज. आमेन. आपका जो मुंह को देखते हुए मालूम पड़ना चाहिए सच पूछे कि इसमें कितना खुश है, संतोष है. लेकिन उस दिन चर्च में कायन आया, कायन का मुंह कैसा था? ऐसा था. कभी भी चर्च में ऐसा मत आना, क्योंकि वहां पर एनाउंसिंग होगा और भी आपको ऐसे करते थे. और क्या हो गया? वो प्रभु को क्वेश्चन पूछने लगा, क्या मैं ही मेरा भाई का रखवाला है क्या? Am I a keeper of my brother? Yes, you are a keeper of your brother, brother. Yes, you are a keeper of your sister. आप आपका बहन का भाई का रखवाली करना हमारा फर्ज है. Amen. Hallelujah. क्योंकि आप और हम परमेश्वर का परिवार है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब आप और हम गिरते हैं विश्वास में, हमें शांति नहीं है, इसलिए हमारा मुंह क्या होता है? गिरावट में होता है. हम लोग टेंशन में होता है. हम लोग वहां पर कितना भी यहाँ पर वचन जाने दो, आपका मुंह में इसमें नहीं चलेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि आपका मन किधर रहेगा? बाहरी रहेगा. आमेन. इसलिए इसका मुंह किधर था? परमेश्वर के सामने. His countenance was fallen. इसलिए मंदिर में आते वक्त दाऊद को बोलता है, खुशी से आना चाहिए, संतोष से आना चाहिए, मैं मेरा प्रभु का वापस आते हैं. I'm going to my father's house to please him, to praise him. इसलिए खुशी से आना चाहिए, ताकि आप करो हमको खुशी से क्या करेगा? वो अभिषेक करेगा. अगर कुछ भी बीमार होगा तो प्यारे भाई बहनों उसे निकाल देगा. अगर आपको कौन सा भी रिक्वेस्ट होगा, गॉड विल स्पीक टू यू. Amen. Hallelujah. इसलिए कि आप कभी भी चर्च में आने के समय में खुशी से आइए, संतोष आइए, जल्दी आइए और यहाँ पर प्रार्थना में रह जाइए और भोजन में पढ़िए, ताकि दुनिया का जो आत्मा है निकल जाना चाहिए, ताकि आप और हम, वी नीड टू क्रिएट सच एन एटमोसफियर. स्वर्ग यहाँ पर आप और हम देखना चाहिए, स्वर्ग यहाँ पर आप और हम अनुभव करना चाहिए. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए नबी यहाँ पर बोलते हैं, देखिए, now many people is in the earth today, and I say this with all respect, there's perhaps many sitting right here who is absolutely living under your privilege. ये बेटा था, बहुत बड़ा है, जो रिच आदमी का एक लड़का था. अभी वचन बोलता है, he came to himself, he realized what is was his condition, क्योंकि वो बोलता है कि हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे उसको और एक बार 20 से. हालेलुया. हाँ, एंड व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, वो अपना ही कुड रियलाइज अपना गलती. आजकल रियलाइज करना बहुत मुश्किल होता है. मैंने गलती नहीं किया बोलेगा, मैंने ऐसा नहीं किया बोलेगा, जैसा काइन का जैसा. लेकिन यहां पर ये लड़का ने क्या बोला? ही केम टू हिमसेल्फ, क्योंकि उसका दोस्त लोग निकल गए, उसका कहने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं है, और जो डुक्कर कहता है उसका जो खाना है वो खाना पड़ता था उसको. और यहूदी और डुक्कर का कभी रिलेशन नहीं होता प्यारा भाई बहनों, वो लोग कभी डुक्कर को पालता नहीं. देखिये उसका अवस्था कैसा हो गया. देखिए, जब एक आदमी बैकस्लाइड होता है, विश्वास से गिरावट होता है प्यारे भाई बहनों, आप पर हम सब कुछ करते हैं, संडे क्लोज भी करते हैं हम लोग. संडे क्लोज वचन में नहीं लिखा है, क्योंकि वो आत्मा आपको हम को छोड़ेगा नहीं. बहुत सावधानी से रहना प्यारे भाई बहनों, उसको टोपी भी मत पहनना, घर पे भी मत लाना, क्यों? उसमें आत्मा है. मैन ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मैं इस कई पिक्चर को देखा, विश्वास लोग भी पहनते हैं. नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
No. It is not at all written in the Bible. It is a paganism. Hallelujah. Praise the Lord. उसको क्या करना चाहिए? घर से फेंकना चाहिए, घर पे मत रखना, ऐसा कुछ होगा. Praise the Lord. इसलिए कि ये मनुष्य, उसको मालूम पड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है. He was under privileged man. अगर घर पे नहीं, घर पे होता तो क्या होता? सेवक लोग हैं, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. समय टाइम में, समय समय में उसका कपड़े इस्त्री करके आएगा, समय समय में उसका क्या करेगा, टेबल में जो उसमें वो काली टेबल में बैठना चाहिए, बाकी पूरा हाथ में. He was living under privileged. कितना बार आप और हम ऐसा करते हैं? प्रभु का जो धनवान को हम लोग नहीं जानते, प्यार बेटा, इसका रिचनेस को आप और हम नहीं जानते. प्रभु बोला मैं तुम्हारा साथ है, मैं तुमका आरोग्य देने वाला, तुम्हारा सारे समस्या का जो सॉल्यूशन मैं देता हूं करके बोलते हैं. जज का जज है वो, डॉक्टरों का डॉक्टर है. प्यारे भाई बहनों, वो बोलते जो कुछ चाहिए मेरे पास आओ बोलते हैं. हम लोग जाते नहीं, हम लोग जाते नहीं है क्योंकि बैकस्लाइड होते. वी आर लिविंग अंडर पॉवर्टी. क्योंकि वो मेरा बीपी है, ये मेरा शुगर है. अगर मेरा शुगर मेरा बीपी वाले तो आपका हो जाए. इसलिए प्यार बाप ने शैतान लाता है, उसको कभी एक्सेप्ट मत करना, मेरा करके मत बोलना. हमारा डॉक्टर को नहीं ये समस्या है. वो हम हरेक चीजों में, हरेक टाइम में प्यार बाप बहनों आपका हमारा सुधी लेने वाला परमेश्वर. उसने बोला मुझे बुलाओ मैं तुम्हारा सुधी लूंगा. बट वी आर नॉट कॉलिंग हिम. अगर कॉल करते भी हमारे विश्वास में, हम लोग विश्वास ये लड़का का जैसा. लेकिन जब उसको मालूम पड़ा अरे मेरे घर में कितना महान चीज है, मुझे काम करने का वहां पर जरूरत नहीं है. बोलते कि ही केम टू हिमसेल्फ, हाउ मेनी हायर्ड सर्वेंट्स ऑफ माय फादर्स हैव ब्रेड इनफ. वो बोलते कि मेरा सेवक लोग को, काम करने वाले को इतना खाने का है, लेकिन मैं उसका पुत्र बन के भी मुझे खाने के लिए नहीं है. आर यू, आपको मालूम पड़ा क्या नबी बोलता है? जब एक विश्वासी भाई और बहन अपना स्थान को पहचाने हम कौन है, बाद में जल्दी बोलते कि रैप्चर. व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर अ सन ऑफ गॉड, when you realize that you are a daughter of God, then you will have all the privileges what God has given you. Par baben aap kya nahi karenge, idhar udhar bhagenge nahi hai, aap seedhe parmeshwar. Isliye jaisa Daud bolta mere ko ek hi cheez mangta hai, prabhu se baat kar. Har ek waqt wo aap kya karenge, wo practice karenge. You will cultivate that practice. Har samay mein prabhu ke samne jayenge, har waqt prabhu ke samne jaake ghutne tekenge. क्यों? मेरे बाप से मैं पूछूंगा, क्योंकि उसका पास सब कुछ है, उसका बैंक में सारी चीज है. इसलिए यहां पर नबी बोलता है and sons and daughters of God, I won't say you will lost. No, because when God saves you, then loses. जब भी प्रभु आपको हमको उद्धार देता है वो कभी खोएगा नहीं है. Amen? Hallelujah. And when I am not trying to preach doctrine, I am only saying if God, now you are not just mentally worked up, but if God saves you knowing he is going to lose you, he defeats his purpose. Agar wo uska bolne ka aisa hai, Prabhu aapko aur humko chuna, wo kai ke liye chuna, kone ke liye. Agar kone ke liye chuna to wo pehle aapko chunta hi nahi tha bolta. Amen. Hallelujah. इसलिए कि प्रभु अगर आपको और हमको चुना वो कभी खोएगा नहीं. लेकिन आप उससे दूर जा सकते हैं आपका विश्वास से, आपका दुनिया का चीजों से, अट्रैक्शन से, जैसे ये लड़का नहीं किया. लेकिन ये लड़का को जब मालूम पड़ा मेरे पिता का घर पे बहुत है, मेरे पिता का घर पे क्या है, बहुत नौकर लोग खाने का चीज, वो अभी मेरे को नहीं मिलता है. अरे भाई बहनों, इसलिए विश्वासी लोग अपने जीवन में बढ़ते नहीं है. क्यों? अपना आत्मिक जीवन में अभी भी सप्रेस है. आत्मिक जीवन में क्या नहीं है, बढ़ते नहीं है. कभी भी जाएगा रोएगा, काइन का जैसा हम लोग नहीं. प्यार भाई बहनों,
We need to be in that spirit always. Why? हमारा बाप कौन है? सबसे ऊंचा है, सबसे नंबर वन है. Whenever you call him anything, and he is going to give you, seek you shall. इसलिए यहां पर बोलता है, he don't do that. When he saves you, you are saved. He that heareth my words and believeth on him sent me hath everlasting life. बोलता है, जो मेरे में विश्वास करता है उसको अनंत काल का जीवन है. प्यारे भाई, वो आपसे निकाले नहीं जाएगा. क्यों? आप बेटा है, आप बेटी है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. एंड शैल नेवर कम इनटू जजमेंट. आज खुशी है अपने बच्चे लोग गाना गाते हैं. हालेलुया. नेक्स्ट टाइम में जरा जोर से गाना. धन्यवाद. ओके, प्रेज द लॉर्ड. वेयर इज वेयर यू हैव ए गिफ्ट. आप लोग के पास क्या है? परमेश्वर ने वरदान दिया है, उसको बढ़ाना है. हालेलुया. आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर कमिंग फॉरवर्ड. एंड आपको वो फियर नहीं है. यू नीड टू डू दैट ताकि हमारे प्रभु को क्या करना होना है? महिमा होना है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसलिए देखिए, सो यू आर स्टिल ए सन एंड डॉटर. अभी भी क्या? आप बेटा और बेटी है. बट यू आर लिविंग अंडर योर प्रिविलेज. जो प्रभु ने दिया हुआ चीजों को आप और हम इस्तेमाल नहीं करते. हम लोग इस्तेमाल नहीं करते. प्रभु का बैंक बहुत बड़ा है. बोलता है अपना बेटा को बेटी को बचाने के लिए प्रभु बोलता है कि अपना स्वर्ग को भी खाली करके नीचे आएगा. बोलता है वी आर सो प्रिविलेज पीपल ब्रदर्स एंड सिस्टर. इतना ताकत दी, इतना सामर्थ्य है. वी कैन कॉल. जैसा जो एलिशा को आग का जरूरत था, उसने क्या किया? आग को मंगाया, प्रार्थना किया. बारिश को क्या बोला? मेरा वजह से 3.5 साल बारिश नहीं. उसने प्रभु से बात ही नहीं किया. उसने बोला अकॉर्डिंग टू माई वर्ड. बोलते आकाश को बंद करने का ताकत. और बाद में बोलते हैं मेरा वजह से आकाश को मैं क्या करता हूं? बोलता हूं. वी आर लिविंग अंडर सो मच अंडर प्रिविलेज पीपल. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. So you are still a son and daughter, and you are conduct each day. Parabab, and this way, after we know, we should know. Prarthana karo to milta hai. Hallelujah. Prarthana karo to kya? Milna hai, milta hai. Theek hai, vachan likhta hai. Vachan jhoota nahi hai. He said, call unto me, I will come. He said, seek, you shall find. He said, mera naam se jo kuch mango, main deta hu. Dhanyawad. But हम लोग क्या करते हैं? अपना दिमाग लड़ाते हैं, अपना बुद्धि को क्या करते हैं? लड़ा के हम लोग परमेश्वर का प्रिविलेज को हम लोग नहीं लेते. अभी भाई फ्रैंकलिन गवर्नमेंट में काम करते हैं. ये ऐसे सर्टन प्रिविलेजेस, उसको प्रिविलेज है. उसको वो हो सकता है कि जो कौन सा भी कई चीजों में फ्री होते हैं, उसको पैसा दे के जाएगा तो क्या फायदा है? He's not using his privilege. समझे आप लोग? अभी जो ना काम करता है, समझो उसको फ्री टिकट दिया, लेकिन वो रोज टिकट लाइन लगा के टिकट ले गए तो क्या फायदा है? He's not using his privileges. Amen. Hallelujah. इसलिए यहाँ पर बहुत आपके लिए, हमारे लिए क्या है? बहुत प्रिविलेज लिखा है. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का बेटा बेटी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए. प्यारे बेटे, क्यों? प्रभु ने बोला आपको और हमको क्या बोला है? बेटा और बेटियां बने. क्या बिस्तर में बैठने के लिए? नहीं प्यारे भाई बहन, प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है. बिस्तर में बैठाने वाला कोई है, उसको हटाना मांगता है. आई हम लोग जाएंगे. But you will never be brought into the place where you should be. Great gifts that are in the church are so misused. बोलता है जो वरदान है उसको क्या किया हम लोग ने? अच्छा रीति से, गलत रीति से इस्तेमाल कर लिया. लोगों का नाम छीन करने के लिए, हमारा स्टेटस करने के लिए. नहीं प्यारे भाई बहनों, इवन ब्रिंग्स डिस्ग्रेस टू द पब्लिक. इसमें क्या होता है? हम लोग प्रभु का, हाउ दैट द होली स्पिरिट वुड लाइक टू गवर्न दैट, ब्रिंग इट डाउन. क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा को हम लोग क्या करते? दुखित करते. हाँ, आगे जाएंगे.
देखिए प्रिविलेज का मतलब ऐसा है, ए स्पेशल राइट और एडवांटेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड और अवेलेबल सम स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, ये प्रिविलेज है, सबके लिए नहीं है। इट्स ओनली गिवन टू ओनली किसको, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल। आप और हम परमेश्वर का बेटा बेटी है और प्रभु उसको जानता है, आपके लिए हमारे लिए क्या किया उसने, स्पेशल फैसिलिटी दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है प्रिविलेज, स्पेशल राइट और एडवांटेज। आपको बहुत पूछने की जरूरत नहीं है, इट इज विद इन योर पॉकेट, इट इज ऑलरेडी गिवन। प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया, आपको दिया गया है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया, हाँ आगे जाएंगे हम लोग। देखिए लूक में बोलता है साइमन को, साइमन ने क्या किया, यीशु मसीह को डिनाय किया, थ्राइस ही डिनाय। लेकिन क्या पर यीशु मसीह बोलता है, साइमन साइमन बिहोल्ड सैतन हैज डिजायर्ड टू हैव यू दैट ही मे सिफ्ट यू एज व्हीट, तुमको उसने जो दाने का जैसे उनको तुमको उड़ाने के लिए देखा, लेकिन आई हैव प्रेड फॉर दी दैट thy faith fail not and when thou art converted strengthen thy brethren। प्रभु उसको प्रिविलेज दिया, हिंदी में पढ़िए, हाँ हाँ देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, हाँ कि गेहूं की नाई फटके, हाँ देख गेहूं का नाई फेंक देने के लिए, हाँ परंतु मैंने तेरे लिए हाँ हाँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या है, प्रार्थना किया बोलता है, ये किसने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया दैट thy faith fail not, तुम्हारा विश्वास क्या नहीं होना चाहिए, वहां पर नीचे नहीं होना चाहिए। When the word converted, बोलते तुम जब भी कन्वर्ट हो गया, तुमको अपना स्थान को मालूम पड़ता है, तुम्हारा प्रिविलेज को तुम मालूम पड़ेगा, तुम तुम्हारा भाइयों को क्या करो, स्थिर करो। It's already given that privilege to him, उसको फिर पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रिविलेज को हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, हम लोग कितना प्रिविलेज लिए है, हम लोग इतना साल में इतना ले सकता है करके, है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको लेता नहीं है, उसको बाद में क्या बोलते हैं, हम लोग सरेंडर करते हैं। शैतान बहुत खुश होता है। प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने आपको हमको हक दिया उसको इस्तेमाल करना। सिस्टर लोग भी किचन में जो भी काम करता है, कुछ भी होता है, उसी समय में प्रभु को बुलाना, आपका अधिकार है, क्योंकि he has already prayed for you and he has given you the privilege। Hallelujah, praise the Lord, amen, hallelujah। इसलिए कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए एलिया ने क्या किया, मेरा है ना वो, उसने बोला क्या, मेरा हो जाओ वचन से, मैं क्या बोलता हूँ, आकाश ओपन कर। देखिए, because he knew his privileges, he knew his right, he knew his immunity system कहता होगा करके। इसलिए पौलुस ने अपना फिर देखिए, क्यों आप और हम जो मिलते हो पूछते हैं, हमें मिलता नहीं है। ब्रैनम को कहा एक बार, एक आदमी ने कहा, ये नॉट लॉन्ग अगो आई वॉज इन द वेस्ट, हर्ड ऑफ एन इंडियन गॉट कन्वर्टेड, एक आदमी कन्वर्ट हो गया, दैट हाउ यू फील इन चीफ, आप कैसा आपका अनुभव होता है। आफ्टर ए फ्यू डेज ही सेड, well pretty good and pretty bad, उसने बोला कि अच्छा भी है बुरा भी है, ये कैसा, प्रभु में अच्छे होना चाहिए। Hallelujah, what do you mean pretty good, that well since I got saved that there is two dogs in me, उसने बोला दो कुत्ता है मेरे में, हाँ that one black and one is white, एक श्वेत है एक काला है। The black dog wants me to be to do bad. जो काला कुत्ता है मुझे क्या करता है, वो प्रेरण करता है गलत काम करने के लिए। And wants me to good.
एंड द गुड डॉग्स वांट्स मी टू डू गुड. ये जो ये है हमको सफेद तो है हमको अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा करता है. विच वन विंस चीफ, बोलते कौन सा इसमें लड़ाई के समय में कौन सा जीतेगा. हु डिपेंड्स ऑन विच चीफ फीड्स द मोस्ट. अब कौन सा कुत्ते को ज्यादा खिलाता है वो कुत्ता क्या करेगा, जह पाएगा. अभी आपको हमको देखना है. हालेलुया. क्योंकि रोमन्स 8:6 में लिखिए, पढ़िए. हालेलुया. शरीर पर मन लगाना हाँ तो मृत्यु है. देखिए शरीर पर मन लगाना, आपका बुद्धि को ऊपर मन लगाना, आपका स्टेटस को ऊपर मन लगाना, आपका पैसे को ऊपर मन लगाना क्या है, वो मृत्यु है. क्योंकि वो आपको दुनियादारी में लेके जाएगा. इसलिए आप काला कुत्ता को क्या करके ज्यादा प्ले करें. क्योंकि कार्नल माइंड ही दैट सोवेथ टू हिज फ्लेश शैल बी ऑफ फ्लेश विद करप्शन. गलाती 6:8 में लिखा है. जो शरीरदार होके हम लोग ज्यादा उसको खिलाए तो क्या होगा, शरीर रीति में हम लोग. लेकिन स्पिरिट में क्या बोलता है, बट ही दैट सोवर टू द स्पिरिट. चल आप हम लोग गलाती 6:8 में पढ़ेंगे. गलाती 6:8 हाँ जल्दी जल्दी पढ़िए, बच्चे लोग भी पढ़ो. देखिए आत्मा में रहेगा तो आत्मा का काम आप करेंगे. When you know the privileges, when you know the right, when you become a son, when you become a daughter of God, you know the privileges of God. You know the verses, what it is written. When you are in trouble, call unto him and he will come and deliver you. आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है. किधर भी रहेगा, कौन सा भी स्थिति में रहेगा, God will come wherever. क्योंकि it is his word. You are privileged to call him. He's given a blank commandment. Blank check he has given. You have to call him. लेके आप आराम क्या करते हैं, अपना काला मनुष्य को क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं. बच्चों लोग अपने समय को कैसे व्यर्थ करते हैं, गेम में क्या और कई चीजों में. हम लोग दूसरा इन्फ्लुएंस हम लोग के जीवन में आता है, दोस्त लोग का इन्फ्लुएंस. कल मैंने आपको बताया जिन्होंने वचन का अनुसार नहीं है वो लोग का कंपेनियन मत करना. इट विल बिकम ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू. शैतान जानता है आप कौन है करके. प्यारे भाई बहनों कौन जानता है, शैतान जानता है आप कौन है करके. इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो सफेद कुत्ता है, जो शरीर का जो आत्मिक आत्मा है, बात मत करना. चुप बैठो, बात मत करना. नो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ओके, फॉर टू बी कार्नल माइंडेड इज डेथ. टू बी कार्नल माइंडेड इज डेथ, बट टू बी स्पिरिचुअल माइंडेड इज लाइफ एंड पीस. बेर इसलिए आपको हमको जानना है आप कौन है करके, मैं कौन है करके. जब उसको जानता है यू नो योर प्रिविलेज. और सिस्टर मानसी को कुछ अधिकार दिया, वो अपने बॉस को जाके फिर पूछेगी नहीं. क्योंकि उसका अधिकार है उसको जाके जो उसका काम करने के लिए है ना. वैसे आपको हमको भी परमेश्वर ने क्या दिया, प्रिविलेजेस दिया है. प्यारे भाई बहनों उसे फिर जाके पूछने की जरूरत नहीं है. कमांडमेंट इज नॉट एन ऑप्शन. हालेलुया. यू हैव टू डू मींस यू हैव टू डू. हालेलुया. अभी बीमार गिरते हैं आपको हमको अधिकार है उसको पुकारने का. बोले के तुम दुख के समय में मुझे पुकारो, वो आएगा. प्यारे भाई बहनों डोंट एक्ट अपॉन द नेगेटिव थिंग्स. नेगेटिव थिंग्स पे करेगा तो शैतान क्या करेगा, पहले डर लाएगा. पहले क्या करेगा आपको, डर लाएगा. डर लाएगा तो बाद में वचन को भूल जाते, उधर बीपी बढ़ेगा, बाद में शुगर बढ़ेगा. क्यों, डर से. ये शैतान का काम वही है. इसलिए बोलता कि जितना आप विश्वास करते हैं, जितना आपको मालूम है कि यू नो दैट यू आर प्रिविलेजेस, गॉड गिवन राइट्स. हालेलुया.
उसी समय में शैतान का सामना आप और उनका आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यू शुड नो हु यू आर जब क्या होएगा द ब्लैक डॉग वर्सेस रो फाइट हो रहे थे ये जो झगड़ा है रो इसलिए बोलता कि फॉर टू बी कार्नल माइंडेड इज डेथ कार्नल माइंडेड क्या डेथ है बट टू बी स्पिरिचुअल माइंडेड इज लाइफ एंड पीस देखो कितना दो शक्ति आपका हमारा जीवन को क्या करता है नियंत्रण करता है चलाए करते हैं लेकिन जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर का बेटा और बेटी है करके रोमन चैप्टर में लिखा हालेलुया वो दुख का समय में रोएगा नहीं प्यार में परमेश्वर को बुलाएगा कठिन समय में क्या करेगा परमेश्वर को बुलाएगा प्यारे भाई बहनों क्यों शैतान की शक्ति नहीं चलेगी क्यों यू हैव द राइट टू आस्क द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड क्योंकि नबी यहां पर बोलता है कुड यू इमेजिन ए लिटिल फिश अबाउट द लॉन्ग आउट इन द मिडल ऑफ द ओशन सी आई बेटर ड्रिंक ऑफ दिस वाटर स्पेयरिंगली दरिया में जो समुद्र में मच्छी है वो सोचेगा अरे समुद्र में इतना पानी है अगर मैं ज्यादा पिएगा तो खाली होएगा वो ऐसा सोच के पिएगा तो क्या होता है ऐसा नहीं चले हमारा विश्वास है लोग ऐसा बोलते हैं ऐसे नहीं पीने का जितना मांगते उतना पियो परमेश्वर क्या बोलता है आउट ऑफ योर बेली व्हाट विल फ्लो फाउंटेन रिवर्स ऑफ फाउंटेन बोलता है हालेलुया लिविंग वाटर्स वो पानी कभी खत्म नहीं होता है लेकिन यह मच्छी का आदत आपका और हमारा आदत है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इसलिए आप और हम जानते नहीं कि प्रभु ने आपको और हमको क्या बनाया करते आपको और हमको जो क्या बोलते हैं कचरे डब्बे में डालने के लिए आपको और हमको चुना नहीं है नहीं तो हॉस्पिटल बेड में बैठने के लिए आपको और हमको चुना है नहीं है प्यारे भाई बहनों आपको और हमको स्वर्ग के स्थान में बैठाने के लिए प्रभु ने चुना है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लेकिन आपको और हमारे मन को रोज वचन पढ़ना रोज प्रार्थना करना क्योंकि जितना आप और हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं प्यारे इसलिए आप और मच्छी क्या बोलते हैं कि मैं पूरा पानी ज्यादा पिएगा ये समुद्र का पानी क्या होएगा अभी उसको क्यों हेडेक प्रभु को हेडेक होना चाहिए है ना प्रभु को हेडेक होना चाहिए इसको कैसा पानी देना तुमको जितना मांगते हो प्रभु का आशीष लेना उसको कभी बनना धन्यवाद क्योंकि आपको और हमारा अविश्वास क्या करता है अभी जकरिया क्या बच्चा मांगते करके प्रार्थना करता He was praying, जकरिया और कौन एलिजाबेथ है ना जब भी वो वहां पर देवदूत आया तो क्या बोला वो भूल गया वो प्रार्थना नहीं किया करके भूल गया लेकिन वचन बोलते तुम प्रार्थना करो तो दिया जाएगा लेकिन जब देवदूत आया देखो तुम्हारे ऊपर आशीष आया तुमको तुमको एक बच्चा होगा उसने विश्वास ही नहीं किया ऐसा वहां पर हम लोग भूल जाते यहाँ पर वही मच्छी क्या करता है ओह माय पाव पूरा पानी पिएगा तो क्या होगा समुद्र का पानी दरिया चले नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं प्रभु उधार से देता है बोलता है मांगने वाले को कितना कम नहीं देता है भरपूर से देता है आप एक घर पूछेगा तो प्रभु दो घर देगा आप 10,000 का पगार देगा तो पूछेगा तो आपको 20,000 का देगा क्योंकि प्रभु को असाध्य खुश भी नहीं है प्यारे इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल प्यारे भाई बहनों क्योंकि इस लोगों को नबी ने कहा आखिर समय में ऐसा लोग रहेगा एक ग्रुप रहेगा वो स्पेशल पीपल है क्योंकि दे विल रियलाइज दैट हु आर दे जब वो लोग अपने आप को मान लीजिए वो लोग कौन है करके अगर ये छोटा बच्चे भी जो कुछ उसको जरूरत है वो पूछेगा प्रभु से वो तुरंत मिल जाएगा क्यों वी आर स्पेशल पीपल कैटेगरी दिया गया आपको और हमको दैट प्रिविलेजेस हैव बीन गिवन बाय द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इसलिए भाई ऐसे नेपाली मालूम नहीं है नेपाली सॉन्ग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्योंकि गॉड हैज गिवन ए गिफ्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर लेकिन उसको हम लोग क्या किया डोरमेंट बैठा उसको एक्टिव नहीं करते हैं प्रभु ने सारे चीजों को अपने को दिया है हम लोग क्या करते हैं उसको बैठा के रखते हैं हालेलुया प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड इसलिए कि आपको और हमको इम्यूनिटी गोली लेना पड़ता है वचन का जब वचन का गोली लेने का क्या होता है वहां पर इम्यूनिटी बढ़ेगा आमीन हालेलुया आपका सिस्टम में है बट इट इज अ लाइंग डोरमेंट हाय उधर प्यारे भाई बहनों इसलिए दुनिया का
आपको हमको क्यों इम्यूनिटी बढ़ाओ बोलता है, देर इज अ बैक्टीरिया इनसाइड में, क्या है बैक्टीरिया है, वो कई चीज़ों को क्या होता है वो डोमिनेंट रहते हैं, लेकिन जब भी कोई एक्टिव होता है फिर क्या करते हैं डिसीज उसको लाते हैं आपका सिस्टम में, वहाँ पर क्या नहीं होता है जो फाइट करने का ताकत नहीं रहता। सेम वे स्पिरिचुअली वी हैव एवरीथिंग इनसाइड ब्रदर्स एंड सिस्टर, व्हेन यू बिकम ए सन ऑफ गॉड, व्हेन यू बिकम ए डॉटर ऑफ गॉड, आपको विश्वास को बढ़ाना है, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया बस, प्रभु ने मुझे दे दिया जॉब दिया, क्यों मैं उससे पूछा, उसने बोला कि पूछो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जकरिया बोला अरे ऐसा कैसे होगा, मैं अभी बुढ़ा हूं ऐसा कैसे होएगा, लेकिन पूछा था, गॉड विल नेवर डिलीट हिज इनबॉक्स, प्रभु अपना मेल को रोज देखेगा, यहाँ पर हम डिलीट में डाल देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, हालेलुया अपना टाइम में बराबर देगा। प्रभु जानता है जो आदम ब्रदर को कभी निकलना है कभी गिर देना है क्या करना है सब कुछ वो जानता है। Amen. Hallelujah. God knows you and me, brothers and sisters. इसलिए बोलता कि यहाँ पर हम लोग यह मच्छी के जैसा नहीं पड़े, हम लोग थोड़े थोड़े नहीं, एक चैप्टर पूरा पढ़ेगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं करो, जितना पढ़ने का पढ़ा, जितना प्रार्थना करने का करो, प्रभु क्या करेगा उसमें। अब आजकल बच्चे लोग को जो नेहमिया किधर है करके इधर इधर ढूंढना पड़ता है, नेहमिया ओल्ड टेस्टामेंट में वो नया टेस्टामेंट में देखता है, बहुत तो दुख का संगत ये है। प्यारे भाई बहनों अपने बच्चों को सिखाओ ताकि आप हम, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है ये सारा चीजों को, इसलिए कि यहाँ पर मतलब कुड यू इमेजिन ए लिटिल माउस अंडर द ग्रेट गार्डनर्स ऑफ इजिप्ट से आई जस्ट बेटर ईट ए फ्यू ग्रेन्स। चूहा है वो किधर बैठा है, गार्डनर का इसमें बैठा है, और वो बोलते हैं मैं एक एक थोड़ा दो दाना लेगा, नहीं तो दाना पूरा खलस होएगा, तो ऐसा मत करना। कितना आपको आत्मिक में खाना है खाओ, कभी ये मत करना खाली होता करके, प्रभु का पास क्या है बहुत चीज है। हालेलुया। देखिए चलो लोग को टैक्स भरने का था है ना, चलो लोग को टैक्स भरने का था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो बोला के पास पैसा नहीं था, आके प्रभु से बोला हमको क्या करना है टैक्स भरना है, प्रभु बोला देखो जाओ क्या करो मछली पकड़ने के लिए जाओ, पहले देरे में जाके तो पहले मछली आएगा, देखो प्रभु का टाइमिंग देखो, ये लोग जाना और वही मछली वाले के पास मिला। सी व्हाट ए प्रिविलेज पीपल वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो लोग ने पूछा नहीं है अगर दूसरा मछली आएगा नहीं तो वो आएगा ये आएगा, हम लोग देरी से पहुंचेगा, but God decides everything because we are a privileged people. Hallelujah, praise the Lord. क्योंकि क्या हो गया वहां पर, वो लोग गल डाला और वो मछली आया, वो मछली का अंदर क्या था, कॉइन था ना, अभी वो लोग ये ATM वो इसके बनाया ऑल टाइम मनी, प्रभु का वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, प्रभु का जो प्रभु का बच्चे लो। इसलिए प्रणाम ने कहा सिस्टर वाइट को तुमको मिलियन डॉलर मांगता है अभी तुम्हारा गोद में गिरेगा, प्रभु का असाध्य कुछ भी नहीं है पर ये ऐसे, इसलिए आपको हमको पूछना है, आपको हमको विश्वास करने प्रभु दिया मुझे, प्रभु मुझे दिया करके पूछना है, लेकिन हम लोग पूछना है, लेकिन जकरिया का जैसा डाउट नहीं करना मुझे होएगा, नहीं तो 50% ठीक हो नहीं 50% प्रभु आपका 100% ठीक करने वाले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा डॉक्टर कौन है, यीशु मसीह है, सर्जनों का सर्जन है। अभी इधर तो एक डिसीज के लिए एक डॉक्टर रहता है, हमारा सब डिसीज के लिए एक ही डॉक्टर, एक ही प्रभु है। हालेलुया। वो सर दर्द होने दो, हार्ट फेल होने दो, जो लीवर का होने दो, एसिडिटी होने दो, सबके लिए प्रभु है। हालेलुया। उसका एक ही वचन है, जो हो रहा हो तुम क्या हो गया, हील हो गया, उसका कोड़े खाने से हीलिंग हो गया। हालेलुया। हीलिंग हो गया बस 100% हो गया, दैट इज द प्रिविलेज प्यारे भाई बहन, बट वी आर लिविंग अंडर प्रिविलेज। इसलिए कि यहाँ पर वो चूहा बोलता है बहुत वहां पर गिव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाता है, क्या होता है
खाना सोएगा। Why could never eat it in a thousand lifetimes? Neither could you observe the blessings that God has got laid up for you. आपके लिए हमारे लिए blessing दिया है प्यारे बहनों। Yes, already blessed you and me. But at the appointed time, it will fall upon you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. When you plant yourself in Him by this fountain, it's like the tree that is planted by the rivers of water. How glorious and how He likes. बोलता वचन बोलता है जो नदी का किनारे में जो पेड़ को लगाया गया है ना उसका क्या होता है समय पर उसका फल आता है उसका जो पत्ता कभी मुरझाता नहीं वो आप और हमें पैर पैर इसलिए वो उसको मालूम है पानी वो पूछेगा नहीं मेरे को कौन पानी डालेगा प्रभु ने उसको क्या किया नदी के किनारे में लगाया प्रभु ने किधर लगाया उसको सही समय में उसको पत्ता लगाएगा सही समय में उसका फल लगाएगा दैट इज द प्रिविलेज फॉर बाइबल हालेलुया वो बोलेगा नहीं कि मेरे को फल कैसा बने इट इज इनबिल्ट इट इज इंटीग्रेटेड उसका समय में क्या आएगा फल आएगा है ना इसलिए डू नॉट लिव अंडर प्रिविलेज हालेलुया आगे जाएंगे हम लोग When that son was born into that family, he became a son. जब आप और हम परमेश्वर का परिवार में जन्म लेते हैं उसी समय में क्या होता है आप और हम उसका बेटा और बेटी बनते हैं Hallelujah. Because he was born in the family. हम लोग उस परिवार में जन्म लिया है He's a son by birth, and now you Presbyterians, Baptists also listen to this. But because that you are born again, that doesn't mean all of it. You just become a child. You become a member of that body of Christ. हम लोग मसीह में क्या बनते हैं उसका शरीर में एक भाग बनते हैं प्यारे भाई बहनों Hallelujah, praise the Lord. क्योंकि प्रभु कभी भेदभाव नहीं करते Amen. अलग अलग गिफ्ट देगा लेकिन प्रभु सब हर एक को क्या करता है समानता से देखिए किसी को भी कुछ भी कम नहीं करेगा प्यारे भाई बिकॉज इट इज प्रिविलेज बिकॉज हम लोग ने देखा वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ए स्पेशल राइट अभी सीनियर सिटीजन को 50% कंसेशन है समझो अगर मैं उधर क्लेम नहीं करेगा तो क्या मुझे मिलेगा नहीं है ना मेरा प्रिविलेज को मैं क्या करता हूँ छोड़ देते हैं वैसे आप और हम करते हैं हम लोग प्रभु से मांगते नहीं इट इज ए प्रिविलेज ऑलरेडी गिवन बाय द गवर्नमेंट बट आई एम लेजी टू गेट अप आई एम लेजी टू गो एंड मेक क्लेम आमेन Hallelujah. इसलिए बोलते हैं, do not live under privilege. Stop it. Hallelujah. But that doesn't mean that you are living in your privileges yet. And that's what the matter with you people. What is the matter with the world? They are living under their privileges. इसलिए आज क्या करते हैं हम लोग? हमको होएगा नहीं. हमारा ऐसा हो गया. But brothers and sisters, you are a special category people. हम लोग कौन है स्पेशल ग्रुप का लोग है इसलिए स्पेशल मैसेज आया आपको हमारे लिए और उसमें ऐसा नहीं कि अनहोना चीज कुछ भी नहीं है होने ही है पाया हालेलुया प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड बिकॉज ऑफ आवर अनबिलीफ हम लोग मार खाते हैं हमारा अविश्वास का कारण से ये जैसा ये लड़का ने किया ये लड़का ने क्या किया अपना संपत्ति को लेकर गया और सब कुछ वहां पर उड़ा दिया Righteous living, कई बार विश्वास लोग भी ऐसा करते हैं एक कपड़ा है और भी 10 कपड़ा क्योंकि नबी ने कहा कि लौदीश एज इज एज ऑफ मटेरियलिज्म एज ऑफ एक दो शू में नहीं चलता है 10 शू मांगता है पहले हम लोग था एक ही शू था अभी कितना 10-15 शू मांगता है और 10-10 कपड़ा मांगता है वार्डरोब के अंदर हम लोग बैठ के आज कौन सा पहनेगा वहां पर हम लोग एक घंटा वहां पर ही सोचने के लिए लगेगा ये मैं लास्ट हफ्ते में पहना था लगता है अभी पहनेगा तो लोग बोलेगा मेरे में कपड़ा नहीं है उतना टाइम आप बाइबल पढ़ने के लिए ले ना द एज ऑफ मटेरियलिज्म नबी ने कहा ये इसलिए लाओदीशिया का लोग क्या हो गया आलस्य बन गया यूएसए में बोलता है इतना वाला के पास गुड्स है वो सब एक्सेस गुड्स रखने के लिए दूसरा जागो को रेंट करते हैं दे आर रेंटिंग द प्लेस वहां पर रखते हैं
एक्सेसिव. नबी ने कहा ये ऐसा होगा, ये सच बात है. यू एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जैसा हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यू नीड टू रिडीम द टाइम, यू नीड टू रिडीम द टाइम. प्यारे भाई बहनों, हम लोग दुनिया के लोग नहीं है, हम लोग का प्रिविलेज परमेश्वर ने दिया गया है. क्योंकि 40 साल तक वो लोग का कपड़ा क्या नहीं हो गया, पटा नहीं है. 40 साल तक वो लोग का शू भी पटा नहीं है, स्पेशल लेदर का बनाया हुआ स्पेशल गारमेंट दिया परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए. ऐसा है कि पहले हम लोग साल में एक बार एक जो नए साल में एक कपड़ा मिलता था, वो भी बहुत रो रो के हमें इतना ही मिलता था, लेकिन अभी महीने में दो. थिंक अबाउट इट, क्योंकि एज ऑफ मटेरियलिज्म. अरे उसने पहना मेरे को भी पहने, उसने किया वो भी मेरे को, वो ऐसा डिजाइन में मेरे को भी मांगता है, उसने ऐसा बाल बना ना, वो कौन सा सलून है, मेरे को भी उधर ही जाना है. मेरा भाई बने ये सारी चीज हमको किधर लेके जाएगा, इधर नीचे लेके जाएगा, क्योंकि आप पर हम दुनिया का लोग नहीं है. हालेलुया, वी आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल विद द प्रिविलेजेस. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेक यूज ऑफ इट. दैट अगर फ्री पास हमको मिलता है, हम लोग पैसे दे के लेगा क्या, लेगा नहीं. अभी जेम्स को फ्री पास है, बोलो वो क्या रोज इसमें आएगा क्या, आएगा फ्री मिल रहा. अब ने आपको हमको क्या दिया, यूज करो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्यारे भाई बहन, इस समय में, क्योंकि इस समय में वो होना ही है, समय नहीं है अभी. क्योंकि नबी ने कहा यू आर द स्पेशल कैटेगरी पीपल एंड विद अ स्पेशल ब्लेसिंग, स्पेशल प्रिविलेजेस यू हैव टू हैव, एंड वो आपके लिए देना ही मांगता है, मिलना ही मांगता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. शैतान को भी क्या नहीं है, चांस नहीं है. प्यारे भाई बहन, नहीं, मैं वचन पढ़ेगा, मैं गाना गाएगा, मैं क्या करेगा, क्योंकि दाऊद ने कहा मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, वो लोग ने कहा अभी चर्च का समय हो, हम जाएंगे. He cancelled everything. Hallelujah. And he was running towards the church, temple of God. Hallelujah. That's what the matter with the world. They are living under their privileges. Because they think when they were born again and settled it, बोलते कि हम baptism लिया, हो गया मेरा, बाकी पूरा नहीं. But there is a privilege, उसमें combo offer है प्यारा भाई बहन. God has given you, आपको और हमको नीचे नहीं रखा है, हमको serve करके. Hallelujah, praise the Lord. इसलिए कि do not live under privilege people, जैसा उस वो लड़का ने किया. वो लड़का को मालूम पड़ा मेरा घर पे इतना सर्वेंट लोग है, मेरे घर पे इतना खाना बनता है, मेरा घर पे इतना लोग है, मुझे मेरा सेवकाई करने के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आगे जाएंगे हम लोग. साम्स में बोलता है ब्लेस्ड इज द मैन हु डेली लोडेथ अस विद बेनिफिट. प्रभु बोलते हैं रोज हमको क्या करता है, हमारा गाड़ी में क्या करता है, आशीषों को लोड करता है, सुबह सुबह करता है. Who daily loadeth us benefits, even the God of our salvation. आपको ब्लेसिंग क्या करता है, रोज जो बढ़ता है, रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है. And bless the Lord all my soul and forget not all his benefits. भूलो मत उसका अच्छापन को, उसका प्रिविलेज को भूलो मत. God will do miraculously, supernaturally, because this is the season. This is the time to all to obtain the supernatural power. Hallelujah. Aur bolta hai, what shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? Are, I am a blessed man, I am a blessed child, I am a blessed man, I am a blessed daughter of God. God has given me everything. Isliye bolta hai, do not forget his benefits. उसका उपकार को क्या करो मत करो, भूलो मत. हालेलुया, यू कैन. देखिए एक भाई था, उसको वो अच्छा पढ़ा लेता, लेकिन होटल में क्लीनर का काम करता था, अफ्रीकन ब्रदर. उसका काम नहीं मिला करके एक दिन ऐसा आया, अच्छे काम करता था प्रेयर करके, और फ्री टाइम में गॉस्पेल देता था सब, मैसेज बिलीवर है. एक दिन ऐसा हो गया,
एक अरब फैमिली आया, अरब फैमिली में एक सिस्टर आके बोला कि उसको तुम्हारा सीवी भेज दो। उसको देख रही थी वो कैसा काम करता है क्या करता है, और 5 दिन उसने रहने के समय बाद में उसका ईमेल आईडी दे दिया। उसने हंसा, बोलता है ये लड़का ने क्यों मेरे से मेरा सीवी को पूछ रहा है, मेरे को सीवी में नहीं बनाया, इधर क्लीनिंग का सीवी में मैं उसको कैसा देगा। फिर भी उसने भेज दिया, और भेजने के बाद तुरंत उसको बुलावट आ गया, देखो तुम्हारा इंटरव्यू मैंने नहीं उधर किया करके, डेट पे अपॉइंट हो गया, तुम जाओ करके। उसने कहा 7 अरब लोग बैठा, बोलता है उसने चला गया ऐसा, सब लोग उठ के खड़ा हो गया, सब लोग उठ के खड़ा हो गया। इतने क्वेश्चन पूछा, बोलता है व्हेन डू यू वांट टू ज्वाइन आवर ड्यूटी। अरे कुछ क्या काम है उसको, कुछ मालूम नहीं है, ये तो क्लीनिंग करता था बेचारा। बोलता है व्हेन डू यू वांट टू ज्वाइन योर ड्यूटी, आवर ड्यूटी। ये लोग सोचे वो कौन थी, सबसे बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर थी और रिक्रूटमेंट का डायरेक्टर थी, और इस लड़का देखो परमेश्वर कैसा अपने लोगों को काम करता था, और उसको 500 दिरहम मिलता था, अभी 6000 दिरहम का नौकरी मिला। व्हाट ए प्रिविलेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन यू आर सिंसियर, व्हेन यू आर सिंसियर इन योर ड्यूटी, गॉड नोस योर रिक्वायरमेंट, गॉड नोस योर डिजायर। एंड वो बोले कि वो सोचेगा यूएसए यू नो अट्टा कट्टा हो कुछ क्या बोलता है जो जिम में काम करने के लिए कुछ लिया, नहीं उसको जो वीजा का पूरा ये करने के लिए वहां पर बैठा है, ही वाज नॉट नोइंग एनीथिंग एबीसीडी ऑफ वीजा। और बोले कि नो नो डोंट वरी, वी विल डू एवरीथिंग, हम लोग ने क्या करेगा तुमको सिखाएगा, तुम्हारे लिए स्पेशल आदमी लाएगा सिखाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट ए प्रिविलेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड वो रोने लगा, चश्मे के वहां पर बोलता था हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर, 500 से पगार 6000, देखिए कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, देखिए वो हमारा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। He is our God, brothers and sisters. He is alive because we are living under privilege. मैं परीक्षा में पास हो गया क्या, नहीं हो गया। When you doubt yourself, you will never pass. Because negative thing, it is not for the bride of Christ. Negative thing is not for the bride of Christ. Because all the promises are positive. Hallelujah. Praise the Lord. Because God has given you so much wisdom. It's a special wisdom from the above. He loadeth you all benefits. Which MBA people may not do that. I'm telling you. I'll guess. God has done this. Miraculous thing. परमेश्वर अपना बच्चों को ज्यादा बुद्धि दिया है। We are a privileged people, brothers and sisters. Why? We are sons and daughters of Heavenly Father. हम लोग गौरव से बोल सकते हैं मेरा पिता कौन है, सृष्टि करता है, ये जाड़ को मेरे पिता ने बनाया है, ये सूरज को मेरे पिता ने बनाया है, और मेरे को अधिकार दिया उसको रुकाने का। Hallelujah, praise the Lord. Oh. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. वो लड़का वहां पर आके बोलता है मुझे ऐसा काम सिखाया, and it is a wonderful. वो अभी अरेबिक पढ़ता है, कुरान पढ़ा है, और वो लोग कभी गवाही देता है। God is so good, brothers and sisters. Don't misuse his gifts. Amen. Hallelujah. And he will never put you down. प्रभु कभी आपको नीचे नहीं डालेगा। इसलिए कि हर दिन अपना आपको परीक्षा करो, हर दिन अपना आपको क्या करो, परीक्षा करके घर बहनों पति पत्नी का संबंध, पति क्या बाल बच्चे का संबंध, रोज फैमिली प्रेयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु बोला इसलिए व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड फॉर ऑल हिज बेनिफिट। क्या आप सोचे कभी भी प्रभु ने मुझे इतना मदद किया, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, प्रभु के लिए एक नया गाना गाने के लिए आपसे आवाज नहीं आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब गवाही देता है प्रभु ने जो कुछ बोला वो करो, जो आपको किया वो बोला प्रीचिंग मत करना, व्हाई, प्रभु का नाम ऊंचा हो। आमेन, हालेलुया, व्हाट एवर गॉड हैज डन इन योर लाइफ, अरे भाई बहनों प्रभु हर एक जीवन में करने के, यू डू नॉट लीड क्या बोलता है, डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स टेस्टिमनी,
दूसरों का गवाही में आप जियो मत, आपका गवाही क्या है? आपका गवाही क्या है? प्रभु खाली इससे बात नहीं करेगा, आपसे भी बात करेगा, आपका गवाही क्या है? नबी बोलता है यू हैव टू हैव योर ओन एक्सपीरियंस, आपका खुद का अनुभव होना चाहिए प्रभु के साथ। बाप से आपको क्या मिला? हैव यू टेकन फ्रॉम हिम एनीथिंग? क्योंकि डू नॉट व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड। यहां पर बोलता है कौन? दाऊद बोलता है मैं प्रभु को क्या दूं, मैं भेंट चढ़ा रहा था, मैं क्या कर रहा था, मेमने को चलाने वाला था, अभी मुझे इतना बड़ा राजा बना दिया परमेश्वर ने, इतना महान है। Hallelujah. Praise the name of the Lord. Why? Privileges, brothers and sisters. He has given all the gift. He has given all the talent for his Hallelujah. for his glory. Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए बोलता है दाऊद बोलता है, he's questioning himself. What shall I render unto the Lord for all his benefits? Hallelujah. उसने मुझे इतना ऐसा सा किया, अद्भुत काम किया। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, खाली प्रार्थना करो, खाली प्रार्थना करके प्रभु का हाथ में दे दो, बस हो गया। प्रभु उसको क्या करेगा? संभालेगा। प्रभु क्या करेगा? उसको संभालेगा, उसका समय में बराबर करेगा। हालेलुया। बट डाउट मत, प्रभु का ब्राइड डाउट नहीं करे। अगर आप ब्राइड है, अपना पिता का वचन को मानेंगे। हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग, ठीक है। एंड डिड यू नो यू आर अ लिटिल क्रिएटर? मालूम है आपको सृष्टि करने का अधिकार दिया होता है। यू नो दैट सर्टनली यू हैव सीन पीपल दैट यू जस्ट लव टू बी अराउंड, यू डोंट नो। नबी को क्या मांगता था? 3 गिलोरी मांगता था, है ना? वहां पर गिलोरी का समय नहीं था, उसने बोला गिलोरी मांगता है, वहां पर हो गया तीनों। अगर वो किया तो बोलते हैं आप भी, हम भी क्रिएट कर सकते हैं। But we are not using that privilege. हम लोग उस, क्योंकि अपना मुंह में creation का power है। Hallelujah. Praise the name of the Lord. The healing, पूजा healing. You are healed. Hallelujah. Creation power. क्योंकि नबी के समय में जो आधा हाथ वाला आए थे वहां पर बैठे थे सामने, वो प्रीचिंग करते वक्त हाथ क्या हो गया? इतना हाथ बढ़ गया, और जो होल जो रो वाला क्या हो गया? चक्कर आके गिर गया। ये व्हाट इज दिस? व्हाट अ प्रिविलेज! हालेलुया। दे वांट टू सी जीसस, दे सॉ जीसस। वो लोग मसीह को देखने के लिए आए थे, वो देख के चला गया पैर भाई में। हालेलुया। अरे ऐसा परमेश्वर को हम लोग ने देखा नहीं, ऐसा परमेश्वर को हम लोग अभी तक अनुभव नहीं किया है। बोले इसलिए यू आर ए प्रिविलेज मैन, यू आर ए प्रिविलेज पीपल, डू नॉट लिव अंडर प्रिविलेज। इसलिए यहां पर बोलता है यू नो दैट सर्टनली यू हैव सीन पीपल दैट यू जस्ट लव टू बी अराउंड, यू डोंट नो व्हाई, जस्ट दैट लविंग टाइप ऑफ पर्सन। हैव यू सीन दैट कम्युनिटी? आई मीन जस्ट एज ए काइंड। क्योंकि कई लोग आपका जो अच्छापन को देखे आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको चिपकते रहेंगे। क्यों? कितना अच्छा है, बिकॉज आपका अच्छापन से नहीं, प्रभु ने आपने कुछ डाला है। God has given you some privileges, that's why they do not want. आपके साथ जितना अच्छा में रहता है, वो लोग को क्या मिलता है? आशीष मिलता है, वो लोग का प्रार्थना का उत्तर मिलता है। बिकॉज ऑफ यू, यू आर इम्पार्टिंग लाइफ टू अदर्स, यू आर इम्पार्टिंग लाइफ टू अदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब दूसरे को क्या करते हैं? जीवन को दूसरे को देते हैं। Why? That privilege is given to God, by God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. इसलिए आप दुनियादारी के जैसा झगड़ा करते रहेगा ऑफिस में, नहीं नहीं शैतान करेगा, क्योंकि काला कुत्ता कम लोग नहीं देगा, है ना? काला कुत्ता को जितना ये करेगा तो उतना वो काला कुत्ता बढ़ते रहेगा, आपका डाउट बढ़ते रहेगा, बीमारी बढ़ते रहेगा, आपका क्या होता रहेगा? गरीबपन बढ़ते रहेगा। लेकिन जब आप और हम दुख में, कष्ट में, संकट में, नहीं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वह उत्तर देने वाला वह है, जवाब देने वाला वह है, वह मेरा जज है, वह मेरा सब कुछ है, वो क्या करेगा? अपने समय में सब कुछ करेगा। कभी आपको हम का अन्याय नहीं करने वाला परमेश्वर, कभी अन्याय नहीं करेगा। क्यों? आप और हम उसका बेटा है।
अगर गलती करेगा तो क्या करेगा, हमको मार के उसका पास लेकर आएगा। हालेलुया, आगे जाएंगे। देखिए ये मनुष्य अवस्था देखिए, अमीर आदमी, अमीर बेटा, घर में सर्वेंट है, सब कुछ है, खाना है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर किधर बैठा, डुक कर के साथ बैठा, खाने के लिए कोई नहीं, दोस्त लोग भी चला गया, उसके साथ पीते थे, उसके साथ काम करते थे, उसके साथ मौज मजाक करते थे, वो लोग भी छोड़ के चला गया। बोलते उधर कैसे भी एक आदमी को मिला, वो गांव का आदमी ने बोला मेरे पास काम नहीं है, लेकिन ऐसा काम है, वो डुक्कर को तुम क्या करो, पालन पोषण कराओगे। अभी क्या करेगा, भूख तो लगता है, खाना कोई भी नहीं देता, पैसा नहीं है, एंड ही लॉस्ट हिज प्रिविलेजेस, ही फॉरगॉटन हिज प्रिविलेजेस। इसलिए आज आप हमारा मसीह का अद्भुत काम को, उसका चमत्कार को, उसका दैन हाथ को, जो शक्ति कितना है करके हम लोग भूल गए प्यार भाई। इसलिए बोलते हैं मेरा बाप के घर में क्या है, बहुत संपत्ति है, क्या है, बहुत रिचनेस है, वहां पर नथिंग इज इंपॉसिबल, केवल मुझे क्या करना है, जाके वापस सलाम करना है, मेरा गलती हो गया। अगर आप पर हम वैसा नहीं करते, यू आर ए बैकस्लाइडर, आप गिरे हैं विश्वास में, भले आप वचन पढ़ते हैं, भले आप गाना गाते हैं, लेकिन आपको विश्वास में क्या हो गया, आप गिर चुके हैं। हालेलुया, इसलिए आप गाली देते हैं, इसलिए आप गुस्सा आते हैं, इसलिए आपको क्या आता है, दुनियादारी का जैसा बात करते हैं, आपको स्तुति प्रभु को मिलता नहीं है। Why? We are misusing our gift. कितना लोगों का अंक नहीं है, कितना लोगों को जबान नहीं है, गाने गा नहीं सकते हैं, कितना लोगों को पाव नहीं है पैर में। Why God has given you and me? For the, to glorify His name. उसका नाम को ऊंचा करने के लिए दिया। Take that privilege. ये हाथ दिया तो helping hand, this is helping hand. ये पाव दिया तो it's a helping steps. Hallelujah, praise the Lord. Let your steps be ordered by the Lord. Praise the name of, why? That is the privilege you have, bear baby. अभी handicap वो लोग को कर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, जल्दी भाग नहीं सकते, लेकिन आपको और हमको दिया है, नहीं टिकट नहीं मिल, कोरोना है, there is a special category people, वो लोग का क्या है, peculiar faith रहेगा, एस्ट्रोनॉट का जैसा उलका फेंक रहेगा पैर में, दुनिया का जार में देखेगा नहीं वो। इसलिए ये आदमी ने ऐसा स्थिति जब आया, अपना आप मेरा पोजीशन को मैं खो लिया, मेरा स्थान को मैं खो लिया, मेरा ये जागा नहीं है, हॉस्पिटल मेरा जागा नहीं है, बेड मेरा जागा नहीं है, मेरा स्तुति का घर में मैं स्तुति करूंगा। Hallelujah! Praise the name of the Lord. When you came to Himself, when He realized that, मैं मेरा हक को सब को चोट क्या रहा है, दिखार कर क्या है, मुझे अभी वापस जाना है। पर वे बिना अगर आप पर हम वैसा होगा तो अभी का समय है, हमारे विश्वास में आगे बढ़ना है। Hallelujah! हम लोग दो नाव में पाव नहीं रख सकते, दो कुत्तों को हम लोग पाल नहीं सकेंगे पैर भाई बहनों, दोनों झगड़ते रहेंगे, हम लोग इधर ही मरेंगे। हमारा विश्वास क्या होगा, कमजोरी होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर बोलता है, एंड ही वुड बीइंग हैव फिल्ड बाय बेली विद द हक्स ऑफ लिक्विड, कोई भी ऐसा खाएगा जो स्वर्ग को खाने वाला घास को इसको खाना पड़ा। पहले होता तो ये खाएगा तो बोलेगा मेरे को डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी बोलता मैं खाएगा, क्यों, मानव का खाने का वस्तु नहीं है वो जानवर खाने का वस्तु है, चीज है, बट दैट इज इस कंडीशन ऐसा हो गया, कुछ भी देव मैं खाएगा, पाप पे गिरा है, मैं किधर भी जाएगा कुछ भी करेगा, मैं परमेश्वर को छोड़ दिया, स्पोकन वर्ड को छोड़ दिया, खाली चर्च में आने का टाइम में मैं कहूं ना वक्त नहीं पैर भाई, ऐसा नहीं होगा पैर भाई बहनों, दुनिया में आप और हम क्या है इसका, जैसे कुछ भी देगा तो मैं खाएगा, कुछ भी करेगा तो मैं भी करेगा, वो लोग के साथ डांस भी करेगा, वो लोग जैसा करेगा ड्रेस करेगा वैसे करेगा, वो लोग जैसा
हेयर स्टाइल करेगा, व्हाट्सएप माई स्टाइल करेगा, नहीं प्यारे बे, योर कैटेगरी, योर कैटेगरी इज डिफरेंट, आप कौन है, अलग रीति का मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे जाएंगे, फिलिपिन 3:10 में बोलता है दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। व्हाट अ प्रिविलेज, देखो परमेश्वर ने दिया, आप हम ऐसे नहीं स्थगित नहीं बैठेंगे, लेट अस नॉट स्टॉप और, क्योंकि वो बोलते हैं आई वॉन्ट टू नो गॉड बाय से पावर ऑफ रिजरेक्शन। हालेलुया, एंड इट्स अ फेलोशिप ऑफ सफरिंग्स बीइंग मेड कंफर्टेबल कंफर्मेबल अनटू हिज डेथ, इफ बाय एनी मींस आई माइट अटेन अनटू द रिजरेक्शन ऑफ द डेड। ही वॉन्ट टू अटेन दैट पावर बिकॉज दैट इज अ प्रिविलेज हैज बीन गिवन। वहां पर क्या उसको दिया गया, लेकिन आप पर हम लेते नहीं है, आपको हमको हक दिया कि सिख के लिए प्रार्थना करने के लिए, हम लोग डरते हैं मेरे में नहीं होएगा। नहीं प्यारा भाई बहन, यू आर ए स्पेशल कैटेगरी पीपल, स्पेशल ब्लेसिंग इज अपॉन यू। इसलिए बोलता है यहाँ पर, बोलता है लॉर्ड एज दो आई हैड ऑलरेडी अटेन्ड ईदर वर ऑलरेडी परफेक्ट बट आई फॉलो आफ्टर दैट आई मे अप्रिहेंड दैट फॉर विच ऑल्सो आई एम अप्रिहेंडेड ऑफ क्राइस्ट जीसस। हिंदी में पढ़िए, और मैं उसको और उसके मृत्यु के और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के बारे में जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। बिकॉज यू आर अंडर द ब्लड ब्रदर एंड सैटन कैनॉट डू नो हार्म। व्हेन यू नो दैट यू आर रियलाइजिंग दैट You are protected by the blood of Jesus Christ. जब आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लव से आपको बांधा है, you are well equipped. शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान को यीशु मसीह से जाके परमिशन लेना पड़ेगा, मैं आदम का घर में जाऊं क्या नहीं जाए। जॉब के टाइम में ऐसा हो गया, He could know his privileges. उसको मालूम पड़ा कि उसने जो लव से भरा है उसका घर, मैं उसका अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, अगर प्रवेश करना होगा तो मेरे को परमिशन यीशु मसीह से लेना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसमें एक सॉन्ग भी है, नथिंग कैन डू मी हार्म, नो वेयर डेविल कैन डू नो हार्म, वेयर डेविल कैन नो, शैतान क्या करेगा आपको भूल जाएगा। I do not want to go to this address because blood of Jesus Christ is there. जाने का होगा तो भी यीशु मसीह से पूछ के परमिशन लेके जाना पड़ता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का देह भी वैसा ही है। Satan cannot do no harm. Why? I am protected by the blood of Jesus Christ completely. यीशु मसीह का लहू से मुझे क्या किया? ढापा गया है। हालेलुया, मुझे और मेरे फैमिली को मेरा जो प्रभु का लहू से, I'm gonna stay right under the blood, right under the blood, his blood, where there is devil can do no harm for me. I'm gonna do under the blood always. मैं कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह का लहू का नीचे रहेगा, शैतान वहां पर, Satan cannot do no harm. शैतान कुछ भी मुझे तकलीफ नहीं दे पाएगा। मेरे को देख के वो डरेगा, आपको देख के डरेगा, क्यों? प्रभु का लव है। इसलिए डू नॉट स्टे और डू नॉट लिव अंडर द अंडर प्रिविलेज पीपल। नो, प्रभु अपने आपको और हमको क्या किया? राजा करके बनाया है ना। वहाँ पत्रस 2 में क्या बोलता है, 2:5 में, पिक्यूलर जनरेशन, रॉयल प्रिस्टहुड, ऐसा प्रिस्टहुड नहीं है, राज्य वंश बोलते हैं पर हम। राज्य को वंश वाले को क्या कम होया? कभी कम नहीं होगा। मेज में 5 कोर्स मील आता है, राज का टेबल में, राजगृह में क्या होता है? 7 कोर्स मील होता है। आप अगर हमको 7 कोर्स मील मिला है, 7 क्या बोलते हैं सील्स का ओपन करके परमेश्वर ने दे दिया। इसलिए कि प्यारे भाई बहनों, यू एंड अलावर, वी आर सन्स ऑफ गॉड, यू मे से Devil is giving me hard time. Why you have to stay with the devil? क्यों आपको शैतान के साथ बैठना है, उसका चाल चलन में जाना है?
पाटना बोलेगा सहायता मुझे बहुत हार्ड टाइम, ही इज गिविंग मी हार्ड टाइम. यू वॉन्ट टू स्टे विद हिम, यू वॉन्ट टू हैव ए कंपेनियन विद हिम, इसलिए वो आपको ट्रबल करते रहेगा. नबी बोलता है डू नॉट स्टे विद द डेविल, नो योर पोजिशन, नो योर प्लेस. हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. Why are you living with the devil? If you live with the devil, he will give you a hard time. Praise the Lord. Hallelujah. Pahila Korinthi. Hallelujah. 10:13 mein dekhiye. Tum kisi aisi pariksha mein nahi pade. Haan. जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़े. परीक्षा में नहीं पर डाल डाले के पैरा पैर बहनों. सिंस वी लव सेटन, सिंस वी लव हिज थिंग्स, सिंस वी लव हिज फैशन, इसलिए अपने साथ में even no doubt servants of that house, वो चला गया, उसका सेवक लोग भी देखता होगा ये उसका वो कुर्सी खाली है कभी आएगा, वो उसका चेयर खाली है कभी आएगा. इवन उसका साथ उसका पेट डॉग्स होगा, उसका कुत्ता था, उसको बिल्ली था, वो लोग भी सोचते हो गए हमको रोज बिस्किट मिलता था, रोज हमको खाद दौड़ क्या डालता था, हम लोग उसका पीछे जाता था, हमारे से बात करता था. अभी वो स्मूथ हैंड इज नॉट देयर, वो हमको भाव, वो लोग भी सोचते हो ये आदमी किधर गया. अरे भाई बहन मैं, क्योंकि जब आप और हम हमारा पोजीशन को अलग करते हैं, देवदूत भी सोचता है ये लोग किधर गया, क्योंकि देवदूत लोग कौन है आपको, हमको मिनिस्टरिंग स्पिरिट. वो लोग भी सोचता होगा ये लोग किधर गए, ये आदमी उसको इतना देने के लिए मेरा पास है लेकिन वो लेता नहीं है. हालेलुया, इवन हिज पेट डॉग्स कैट्स मस्ट बी वंडरिंग वेयर दिस सन वाज, ये किधर गया होगा, कभी आता होगा. ठीक है, वो लोग भी क्योंकि इतना साल उसके साथ रहे, उसका उसने खाने के लिए, वो लोग भी सोचते होगा किधर गया. हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. They all kept watching the way he went. सब लोग वो लोग सोचता था. नबी बोलता है रोज माँ बाप उसको रोज प्रार्थना करते, रोज देखता था, बोलता है बाहर आके मेरा बेटा कभी आएगा, मेरा बेटा कभी आएगा, मेरा बेटा कभी आएगा. अगर इस दुनिया का बेटा ऐसा करता, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कैसा सुनते. क्यों आपको हमको उसने लहू से खरीद के उसने खरीदा है, हम आपका अपना खुद का नहीं है. इसलिए प्यारे भाई बहनों हम ऐसा अवस्था में ना रहे, लेट अस रियलाइज अवर प्रिविलेजेस. हम अपना हक को जानेंगे, हम मसीहत का जो बाइबल का जो आज्ञा में क्या है उसको हम लोग लेंगे, कि ये सारी चीज आपके लिए और हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है, ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं है. प्यारे भाई बहनों ये केवल दुल्हन के लिए है, ठीक है, केवल दुल्हन के लिए है, लेकिन हम लोग लेते नहीं है. प्रभु देता है, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है. क्यों? हमको समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, हम उदास है. जैसे वो आदमी क्या किया, ही टुक ये राइटियस लाइफ, राइटियस लाइफ. कई बार आप और हम वेस्ट करते हैं कई चीजों को, जैसे ये लड़का ने किया, पुत्र होके भी उसका आस्ति को लेके जाके पूरा खराब चीजों में कर दिया, खराब जो लोगों का साथ कर दिया. कर भाई बहनों वैसा हम लोग ना करें. स्टॉप लिविंग under privilege. God has given you all the things and ask it shall be given. मिला जो पूछो वो देने वाला है परमेश्वर, कभी दरवाजा बंद नहीं करेगा अपना बेटा बेटी को, क्योंकि ये क्या बेटा को चप्पल भी नहीं पहन के आया. वो बोलता है मैं कैसे जाऊंगा, मैं एक सेवक बन के जाऊंगा, मैं पुत्र करके नहीं भाई. लेकिन बाप को क्या है, बेटा बेटा ही है. प्रभु अपना
बेटा लोगों को क्या करता है, अपने को बोलता है उसको नया रिंग डालो, उसको नया कपड़ा डालो, क्यों, वो खो गया था, अभी मेरे पास आया, अभी मेरे पैर पे ना, पर हम प्रभु से दूर नहीं रहे। अगर हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में कुछ कम है, घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का घर में सदा कभी कम नहीं होता, प्रभु का घर में सदा क्या नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, शांति और समाधान, क्योंकि हम शांति देने के लिए आया हो, और वो शांति कैसा, भरपूर शांति देने के लिए आया, और अपना बर्तन में कभी पानी कम नहीं होगा, अपना जो घर पे कभी दान का कम नहीं होगा, क्यों, परमेश्वर स्वयं आपका रंग, वी आर ए प्रिविलेज पीपल ब्रदर्स, वी आर ए ब्लेस्ड पीपल, इसलिए बोलता है डेली ही विल लोड हिज बेनिफिट्स टू यू। देखिए दूसरे लोग को देखिए, डॉक्टर को कितना खर्चा करता है, आपका जीवन को देखिए, क्योंकि ये लड़के को मालूम पड़ा कि मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, मेरा जो हक को मैंने क्या किया, धिक्कार लिया, लिया नहीं है, इसलिए कि प्यार भाई बहनों, प्रभु आपको हम को देना चाहा, वो भी ये समय में, यू आर पिकुलर पीपल, यू आर रॉयल जनरेशन, यू आर प्रीस्टहुड, कभी भागने के लिए मत देखना, कपड़ा को मैला मत करना प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, समय बीत गया, बाद में जो उन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया है हम लोग खा के अच्छे से जाएंगे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ये नया साल में हम लोग निर्धार करेंगे, मैं प्रभु को ज्यादा प्यार करूंगा, मैं वचन ज्यादा पढ़ेगा, मेरा सेल्स का टारगेट नहीं होगा तो भी चलेगा, मैं क्या करेगा, ज्यादा बाइबल पढ़ेगा, नितिन भाई ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु टारगेट करने वाला प्रभु है, जब उसको ज्यादा समय देगा प्रभु अपने को ज्यादा देने वाला है, क्योंकि उसका भंडार में कभी कम नहीं होता है प्रभु, वो डबल बोनस बोनस देने वाला परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कभी कभी भी अपने बच्चों को कम नहीं करेगा, जब आप और हम उसमें देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु हमें सहायता करे ताकि ये नए साल में हम उसके लिए काम करेंगे, और उसका आगमन नजदीक है, उसके लिए अपने आप को हम लोग तैयार करेंगे, ताकि जो कपड़ा हमें दिया और जो वेडिंग रिंग दिया उसका हम लोग खोएगा नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आज बहुत खुशी का बात है, सिस्टर मरिया अपने पास आए मेरे भाई बहनों, हमने मालूम है हम लोग घर पे जाते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु उसको स्पर्श करता था, उसका एक ही इच्छा था, मैं एक दिन चर्च में आना है करके, आज हमारे बीच में है, और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, आपका विश्वास कम होगा, प्रभु से माफी चाहेंगे, प्रभु मेरा अविश्वास, मेरा डाउट को निकाल कर मेरा विश्वास में मजबूत कर, प्रभु आप जिंदा परमेश्वर है, प्रभु मेरे लिए आपने सब कुछ करके रखा, शैतान मेरे साथ पास आ नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का लहू मेरे घर पे है, मेरे हृदय में है, मेरे बॉडी में है, वो प्रभु मुझे क्या करने वाला है, देखभाल करने वाला है, I gonna stay under the blood, where there is, where Satan, devil can do no harm, no harm, no harm, no harm. Hallelujah. हम लोग ऐसा करेंगे 2022 में प्रभु के लिए जीने के लिए हम लोग निर्धार करेंगे, उसका जिम्मेदारी में हम लोग भागेंगे नहीं, प्रभु मैं क्या करूं आपको पसंद करूं, आपका बेटा और बेटी को हेल्प करने के लिए मैं क्या करूं प्रभु, उसका विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, हमारा चेन प्रेयर का समय दिया गया, उस चेन प्रेयर में प्रेयर करो, और प्रभु आपका आशीष करें, अपना बच्चे लोग भी, जो अपने म्यूजिशियन भी प्रार्थना करके म्यूजिशियन बजाओ, शैतान भाग जाए, वो लाइफ एक पवित्र जीवन भी था, हालेलुया, प्रभु ने आज का दिन तक हमें चलाया और आने वाले दिनों में भी हमें चलाएगा, हालेलुया, हालेलुया।
क्रिस्तु ने मतलब सब लोग हम लोग सिस्टर मरिया के लिए प्रार्थना में याद करेंगे क्योंकि प्रभु ने उसको चंगाई दिया है और उसको और भी ताकत आने के लिए रंजित के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे भूलेंगे नहीं सो दैट गॉड में bring them back to the church restore their health back hallelujah 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 we are under the blood we are under the blood of Jesus Christ devil can do no harm no harm no harm hallelujah 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 अपने आप को जरा सोचो क्या प्रभु दिए गया राइट को हक को हम लोग क्या निष्फल सोचते हैं नहीं तो उस हक को हम लोग अपनाए करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं into my heart into my हम लोग ने देखा एक जो शारीरिक आदमी को देखा हम लोग और एक आत्मिक आदमी को हम लोग ने देखा एक सफेद कुत्ता और एक काला कुत्ता को देखा जिसको हम लोग ज्यादा समय देगा वो क्या होएगा बड़ा हो जाएगा और वो क्या होएगा बड़ा होएगा लड़ाई करेगा वैसे आपको और हमारा जीवन में आत्मा का जैसे हम लोग चलाई करेंगे हम लोग आत्मा में बढ़ेंगे शैतान का सारे चालों को हम लोग सामना करने के लिए योग्य बनेंगे मोस्ट ग्रेशियस हेवनली फादर लॉर्ड जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड फादर वी लव यू लॉर्ड एज वी स्टैंड इन दिस आफ्टरनून टाइम द फर्स्ट डे ऑफ द 2022 प्रभु हम लोग अपना सर को झुकाते हैं इस नए साल में पहला दिन में प्रभु आपका वचन को हम लोग ने सुना जो आपने हमें हक दिया आपने जो हमें प्रभु जी जो प्रभु वरदान दिया वो अपना आने के लिए हमें सहायता कर वो हासिल कर कर उसका अनुसार चलने के लिए हमें सहायता और मदद कर हमारा अधिकार को हम लोग पहचान सके लॉर्ड वी मे नो द अथॉरिटी Then we may know the power of resurrection. Oh Lord, have mercy, Father. Prabhu, hamara galtiye ko kshama kar de. Hamara backsliding ko, Prabhu, nikal kar. Hame aur ek baar restore kar de, Prabhu, aapka pavitra atma se. Hum log aapse bhage nahi. Jaise Daud kaha, Prabhu ka mandir mein jaakar uska aaradhan karne ke liye main bhagunga. Main ichcha karunga. Hallelujah, Prabhu, we asha. Hum log ka jeevan mein uttan kijiye, Prabhu. Lord, let that desire be created within us so that we may be able to please you. We may be walk with you. We may be able to, Lord, Father, talk to you. And we may worship you in true and spirit. Hallelujah.
हालेलुया लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस प्रभु दाक जो आए हुए हर एक बाहर बहनों को आशीष दिया प्रभु धन्यवाद देते हैं शेष करके सिस्टर मरिया को लाया आपने और रंजित को लाया प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आपका आशीष से भर दिया धन्यवाद देता उसको चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद देते ओ प्यारे पिता आने वाले दिनों में और भी प्रभु उसने गवाही दिया मैं सोचा नहीं था मैं आऊंगा लेकिन प्रभु मुझे लेकर आया लॉर्ड शी हैज कन्फेस्ड योर लव शी कन्फेस्ड योर कॉन्फिडेंस लॉर्ड ऑन यू प्रभु धन्यवाद देते सहायता कीजिए प्रभु उसको प्रभु आपका लहू से आपका आपका पवित्र आत्मा से भरपूर कर उसको प्रभु जी और भी शक्ति सामर्थ्य देकर आपका स्तुति करने के लिए आपका गवाही देने के लिए बहन को शक्ति दे भाई को भी शक्ति दीजिए अभी हम लोग यहाँ से जाते वक्त हमारे साथ ये समझ के मीठा पवित्र नाम सुनो कबूल कर आमीन हम लोग अपना अपना हाथ को पकड़ेंगे with us now and forever more. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. कल संडे है संडे का 9 बजे हमारा मीटिंग चलेगा आ सकते आइए हम स्तुति और धन्यवाद करेंगे Amen. Hallelujah. और नीचे खाना रेडी है ना और भाई आदम वहाँ पर हेल्प करेगा और थोड़े थोड़े लोग जाके खाके जो दूर वाला है पहले खाइए जा सकते हैं थोड़े थोड़े लोग और अपना मास्क को आप पहन के जाइए क्योंकि वहाँ पर पकड़ेगा तो प्रॉब्लम आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक ही क्राउड नहीं बनाएंगे थोड़े थोड़े लोग जाके बैठ के दस दस